बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मौजूद सामीन कराम, कुरान पाक के लफ्ज लफ्ज में रहमत और बरकत है। इसी तरह कुरान पाक की एक सूरत जिसका नाम सूरत फतह है, यह कुरान पाक की 48 नंबर की सूरत है और यह सूरत कुरान पाक के 26वें पारे में मौजूद है। सूरत फतह के बारे में हमारे प्यारे पैगम्बर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुहारी शरीफ की एक हदीस में फरमाया, जिसका मफहूम इस तरह है कि ए लोगों, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से ज़्यादा मुझे महबूब और मेरी पसंदीदा सूरत फतह है। इस सूरत की शान का क्या कहना। इस सूरत के बारे में उलमाए कराम फरमाते हैं, जो शख्स जब रमज़ान के चाँद की खबर सुनकर इशा की नमाज से पहले पहले रमज़ान के चांद की खबर सुनने के बाद इशा की नमाज से पहले इस सूरत को एक बार पढ़ लेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारा साल उसके रिज़क में बरकत अता फरमाएंगे और उसकी रोज़ी की तंगी को दूर फरमाएंगे। ये बहुत बेहतरीन और मुजर्रब अमल है। इस अमल के बाद तड़प कर अपने मसाइल के लिए दुआ करनी है, इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपकी दुआ कबूल होगी, आपके रिज़क के तमाम मसले हल होंगे। इस मौके को ज़ाया नहीं करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ हम सब के रिज़क में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद अच्छी और इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल नूर पॉइंट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।